हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज है, जो लगातार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। और जब से एनुअल मोड के स्टूडेंट्स की डेट शीट आई है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की, उसके बाद से ये क्वेरीज जो है और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी कॉमन क्वेरीज हैं, उन सभी क्वेरीज का मैं एक ही वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। फॉरमोस्ट जो क्वेरी सबसे ज़्यादा आ रही है वो ये है कि क्या डेट शीट आ गई है हमारी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, और वो भी सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलर की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। तो जो भी फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि क्या हमारी डेट शीट आ गए। तो आप साफ सुंदर शब्दों में अभी सुन लें, आपकी डेट शीट अभी नहीं आई है। फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट अभी नहीं आई है। जो वेबसाइट पर डेट शीट्स बार बार फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो डेट शीट जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए, एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एसओएल में सिर्फ जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की डेट शीट आई है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज है कि एनुअल मोड में कौन है और जो सेमेस्टर मोड है उसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लें, जिस किसी भी स्टूडेंट्स का एडमिशन 2018 या उससे पहले हुआ है उनका है एनुअल मोड। जिस किसी स्टूडेंट्स का एडमिशन 2019 या उसके बाद हुआ है, 2019 में हुआ है या 2019 के बाद हुआ है, उन सभी स्टूडेंट्स का जो है वो है सेमेस्टर मोड। तो आप ध्यान रखें कि अगर 2018 के पहले आपका एडमिशन हुआ है तो है आपका एनुअल मोड, उसके बाद हुआ है तो आपका है सेमेस्टर मोड। तो सेमेस्टर मोड के अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं मई के अंदर। 15 मई से जो एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के होंगे एसओएल में। एसओएल में अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के किसी भी स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं है। तो अब एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे तो हमारे एग्ज़ाम होंगे कब अब सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के? तो आपके एग्ज़ाम्स अप्रोक्सीमेटली होंगे जुलाई के एंड से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कैलेंडर है किस तरह से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो इसमें डेट मेंशन की गई है 29/7, यानी कि 29 जुलाई से लेके 8-9 अगस्त तक आपके एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। उसके पहले आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि जुलाई एंड के पहले आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेरीज हैं उसका मैं बता दूं कि आप किस तरह से एसओएल के अंदर प्रोसीजर आपका आगे बढ़ेगा। तो देखिए, जो आपने अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हैं, सबसे पहले तो आएगा उसका रिजल्ट। ये रिजल्ट कब आएगा? तो मिनिमम 2 मंथ आप मान के चले, 2 महीने आपको लग जाएंगे रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। ये रिजल्ट आएगा आपका मिनिमम जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, जो जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। उसके पहले आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। रिजल्ट जब आपका आ जाएगा उसके 1 वीक बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के 1 वीक बाद 1 हफ्ते बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का? सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर का। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए तो फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन आपका होगा। उस रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा आपको? एक तो आपको फ़ी पे करनी होगी आपकी फोर्थ या सेकंड सेमेस्टर की, जो आपकी वेरी करेगी 400 से लेके 600 के बीच में, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। और आपको अपने सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक्स मिलेंगी आपको, जो कि आपको जब ही मिलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आप ये मान के चले भी अभी बहुत लंबा प्रोसेस है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन होंगी, फिर बुक्स वगैरह मिलेंगी, उसके बाद आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आएंगी। अभी ऐसा कोई एग्जामिनेशन आपके नहीं होने वाले हैं जो भी सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं और खासकर एसओएल के। ठीक है, तो ये मैंने जो भी कॉमन क्वेरीज थी उन सभी का आंसर देने की का यहाँ पे प्रयास किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर मैं वहाँ पर रिप्लाई के फॉर्म में दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैलेंडर, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए डेट मेंशन थी 15 मार्च से लेके 27 मार्च के, तो उसी डेट्स के बीच में आपके एग्जामिनेशन हुए 15 से लेके 27 मार्च के बीच में। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे 29 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक मेंशन है यहाँ पे, तो उसी के बीच में आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होंगे। और एसओएल की बात करूँ तो एसओएल में मोस्ट प्रोबेबली आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हैं और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के एग्जामिनेशन साथ में कंडक्ट करवाएंगे। तो आप भी मान के चले कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आपके जुलाई एंड के पहले नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप जुलाई एंड तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, जुलाई एंड के पहले आपके एग्जाम्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एक क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का और था कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है कब स्टार्ट होंगी,
तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है जल्दी स्टार्ट होंगी, जब भी स्टार्ट होंगी तो आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा, तो आप चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखें। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, और जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको ये बार बार बोला जा रहा है कि आपके डेट शीट आ गई, सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट आ गई, लेकिन उसमें ये नहीं बता रहे कि वो सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, SOL के स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई डेट शीट नहीं आई है। और इसी तरह से SOL की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।